नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि मार्केट्स ने काफ़ी रिकवरी किया है, क्योंकि मॉर्निंग सेशन में मार्केट्स काफ़ी नीचे चले गए थे और नीचे जाने का मेन कारण ये था कि कल अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आया था और उसके हिसाब से इन्फ्लेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और जो इंटरेस्ट रेट्स के घटने की उम्मीद लगाई जा रही है वो अभी डिले हो गए हैं। तो जब वो डेटा रात में आया तो उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स गिर गए थे और उसी के रिएक्शन में इंडियन मार्केट सुबह 700 पॉइंट तक गिर चुके थे। उसके बाद मार्केट में बाइंग आई है तो रिकवरी आफ्टरनून की तरफ मार्केट में अच्छी आ गई है। तो हमारा जो क्लोजिंग हुआ है मार्केट का, सेंसेक्स का, वो ग्रीन में हुआ है। लगभग 277 पॉइंट्स का हमने आज जंप लिया है। तो इस रिकवरी को लीड किया है PSU शेयर ने, जो पब्लिक सेक्टर के शेयर होते हैं, सरकारी शेयर, उन्होंने इस रिकवरी को लीड किया है और उसकी वजह से मार्केट में रिकवरी आ गई है। तो आज आपको बता दें कि जो टॉप गेनर है सेंसेक्स में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो 4% अप था। उसके बाद टाटा स्टील, वो 2% अप था। और उसके अलावा जो तमाम PSU शेयर्स हैं उन सब में ज़बरदस्त जंप रहा है। सतलुज जल विकास 12%, BEML 10%, हुडको 10%, नैलको 9%, भारत पेट्रोलियम ये शेयर था 7% अप। और सारे जितने ऑयल कंपनीज हैं, PPCL, इंडियन ऑयल, HPCL, इन सब में आज बहुत तेज़ी देखने को मिले। और जो बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है हमारी LIC, उसका शेयर भी आज 6% बढ़ा हुआ था। तो आज PSU शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी है और मार्केट ने कम से कम, आप मानिए कि 1000 पॉइंट्स का आज गेन किया है नीचे से, मतलब नीचे के लेवल से। 700 पॉइंट नीचे था और 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, तो 700 प्लस 300 अगर आप मिलाएं तो 1000 पॉइंट आज मार्केट ने बढ़त लिए। मॉर्निंग में मार्केट अमेरिकन मार्केट्स की वजह से, एशियन मार्केट्स भी डाउन थे तो उनकी वजह से मार्केट काफ़ी नीचे डिप कर गया था। लेकिन अभी कॉशियस बताया जा रहा है सेंटिमेंट को, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स अमेरिकन मार्केट के हिसाब से ही चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे चाहते हैं इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।